हाथ काट कर रख दूंगा, ये नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है, राम समझ आ जाए तो। राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा, पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा। साइको शायर, जी हाँ सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते करते आपने राम के ऊपर लिखी गई ये कविता तो जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इस सुंदर कविता को लिखने वाले शख्स हैं साइको शायर। दरअसल इन दिनों अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन और उसमें राम लला की मूर्ति की चर्चा चारों तरफ हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर अभी मुंडे यानी साइको शायर की एक कविता राम काफी वायरल हो रही है। नया नया हूँ यहाँ पे तो, ना पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूँ त्रेता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये साइको शायर कौन है, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। साइको शायर, जिनका असली नाम अभिजीत बाल कृष्ण मुंडे है, महाराष्ट्र के मराठवाड़े इलाके के अंबाजोगी गांव के रहने वाले अभिजीत बचपन से ही कला को लेकर इंटरेस्टेड रहे हैं। अभिजीत ने सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इस दौरान वो कविता लिखने लगे। उन्होंने इतिहास की किताबें भी लिखी हैं जिसमें शंभू गाथा, छात्रपति संभाजी महाराज की जीवनी है। एक बात और है, जैसा कि आजकल अधिकतर देखने को मिलता है कि कोई कॉमेडी कर रहा है तो कोई शायरी कर रहा है, वैसे ही अभिजीत मुंडे मराठी में स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं और कविताएं भी लिखते हैं। आपको बता दें कि उनकी लिखी कविता अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले खूब वायरल हो रही है। यहाँ तक कि इसे लोग अयोध्या का बुलावा भी बता रहे हैं, क्योंकि खुद साइको शायर अंत में कहता है कि चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है।